गुलबर्गा शहर के कॉरपोरेशन और दीगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में हो रहे करप्शन के खिलाफ जनता परिवार ऑर्गेनाइजेशन से सिराज शाब्दी और दीगर जिम्मेदारों ने एहतजाज कर नाराजगी जाहिर की है। सिराज शाब्दी एंड टीम ने कहा, कॉरपोरेशन में हर रोज करप्शन बढ़ता जा रहा है। आजकल कॉरपोरेशन से खाता स्ट्राइक लेना है तो बिना रिश्वत के एक काम मुमकिन नहीं है। गरीब, हैंडीकैप और दीगर मजबूर लोगों को कॉरपोरेशन में परेशान किया जा रहा है। सिर्फ कॉरपोरेशन ही नहीं बल्कि जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैं, हर जगह का यही हाल है। कॉरपोरेशन के अलावा लगातार सिराज शाब्दी एंड टीम ने निर्मदी केंद्रा में चल रहे करप्शन और लापरवाही के खिलाफ भी आवाज़ उठाई है, लेकिन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के कानों में जूं तक नहीं रेंगी है। हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में रिश्वतखोरी आम हो गई है, जिससे गरीब लोग परेशान हैं। गरीबों की तकलीफ जनता परिवार और दीगर ऑर्गेनाइजेशन को तो नज़र आती है, पर जो गरीबों के वोट लेकर MLA, MP या कॉरपोरेटर बनते हैं, उनको या तो ये तकलीफ नज़र नहीं आती या फिर जानबूझकर वो लोग नज़रअंदाज करते हैं। BJP, कांग्रेस, JDS कोई भी पार्टी के MP, MLA, कॉरपोरेटर हो, इलेक्शन से पहले जिस तरह गरीबों से वोट की भीख मांगते हैं, उसी तरह इलेक्शन जीतने के बाद पावर का सही इस्तेमाल कर गरीबों के साथ हो रही नाइंसाफी को रोकना होगा। जनता परिवार ऑर्गेनाइजेशन से सिराज शाब्दी एंड टीम ने तमाम करप्शन की डिटेल बताते हुए इमीडिएट सोल्यूशन की मांग की है, वरना आने वाले दिनों में बड़ा एहतजाज किया जाएगा। This video presented by Shri Basveshwar Medical and General Store, providing the highest quality and 100% genuine medicines, 24/7 hours medical is open and free home delivery also available, medicines at your doorstep, opposite Basveshwar Hospital, Sedham Road, Kalburgi. जय हिंद साथियों, मैं सिराज शाब्दी, जनता परिवार ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। अभी हम लोग यहाँ पे पत्रिका भवन आए हैं कॉरपोरेशन ऑफिस को लेके इशू। ऐसे तो कॉरपोरेशन में कई सारे इश्यूज़ हैं जो मुसलसल चलते आ रहे हैं, बट एक जो बर्निंग इशू है, जो कई सारे गरीब लोग जो परेशान हैं, वो खाता स्टैक को लेके परेशान है। कॉरपोरेशन में खाता फीस 65 रुपीज़ हमको कॉरपोरेशन में फ़ी पे करना है, मगर जब हमारे को कलेक्ट करना है तो हमारे को Zonal 1, Zonal 2, Zone 3 में जाकर कलेक्ट करना है। जब एक गरीब जो एक इलिटरेट रहता है, उसको जब Zone 1 में जाता है, मिसगाइड होता, दे डोंट हैव एनी हेल्पलाइन पीपल भी नहीं है कि लोगों को, जो गरीब आते मुस्तक आते, वो लोगों को बताने के लिए भाई एग्जैक्टली तुम Zone 1 में जाओ तो आपको मिलेगा, Zone 2 में जाओ तो मिलेगा, ये कोई सर्विस नहीं है कॉरपोरेशन कॉरपोरेशन ऑफिस की तरफ से। अब वहाँ पर जब जोन में जाते हैं, जोन में जाने के बाद वहाँ पर एक नई कहानी शुरू होती है। वहाँ पर लोग जाने के बाद के ऑफिसर अवेलेबल नहीं है, थम इम्प्रेशन लगाना है, और दे हैव टू सिस्टम ऑपरेटर नहीं है, तो दो चार चार पाँच पाँच घंटे ठहरना, फिर पाँच पाँच दस दस दिन, मगर 500 रुपये अगर देंगे आप तो आपको खाता स्पॉट पे मिल जाएगा। ये सरासर हो रहा, क्या कॉरपोरेशन कमिश्नर आँख बंद कर सो गया हुआ है? क्या डिप्टी कमिश्नर को ये चीज़ नज़र नहीं आ रही? क्या इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को ये चीज़ें नज़र नहीं आ रही? इलिटरेट मतलब गरीब, उसके साथ साथ फिजिकल हैंडीकैप भी वहाँ पर परेशान होता है, सीनियर सिटीजन भी जाते हैं वो भी परेशान होते हैं। तो पहले कॉरपोरेशन ऑफिस में खाता वहीं पर पे करना और खाता वहीं पर लेना था, फिर ये Zone 1, Zone 2 करने का मतलब क्या था? कि क्या आप करप्शन को बढ़ाना चाह रहे हैं, करप्शन को एंटरटेन करना चाह रहे हैं? सीधा सीधा करप्शन बढ़ रहा है, क्या इनके ये लोग क्या सो गए हुए, इनको नज़र नहीं आ रहा है लोगों को? कॉरपोरेशन कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, हम उनको ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अभी तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये चीज़ों के ऊपर आप इन्वेस्टिगेशन करो। लोग परेशान हो रहे, आप लोगों को जिता कर लेकर आते इसलिए क्योंकि आप लोग पब्लिक की सेवा करना, और पब्लिक को भी समझना चाहिए, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन रहने दे, कॉरपोरेशन कमिश्नर रहने दे, डिप्टी कमिश्नर रहने दे, या फिर MLA, MP या डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज भी रहने दो, ये लोग पब्लिक सर्वेंट है, पब्लिक के नौकर बोलते हैं उनको हिंदी में, पब्लिक के नौकर, गुलाम। तो पब्लिक ये चीज़ पहले दिमाग में रखना कि दे आर पब्लिक सर्वेंट, और पब्लिक को अपना काम निकालने के लिए ऐसे सर्वेंट को पैसे देना पड़ता, 500,000 देने के बाद इनके काम हो रहे। तो हम कॉरपोरेशन कमिश्नर यहाँ पे पत्रिका भवन से ये हम डिमांड कर रहे हैं कि काउंटर्स को कॉरपोरेशन ऑफिस में फिर से लाया जाए, सिस्टम बढ़ाया जाए और वहीं पे खाता स्टैक दिया जाए। सेकंड हम लोग यहाँ पर यह करें निमदी सेंटर का, निमदी सेंटर के दो प्रोटेस्ट करें हम लोग, BJP के गवर्नमेंट में दो प्रोटेस्ट करें यहाँ पर, और ये रिक्वेस्ट करें कि निमदी सेंटर्स के ब्रांचेस को बढ़ाया जाए, कि वी हैव 7 लाख पॉपुलेशन इन गुलबर्गा, 7 लाख पॉपुलेशन को एड्रेस करने के लिए सिर्फ हमारे पास एक निमदी सेंटर है, तालुका में दो दो मिलेंगे, सिटी में एक निमदी सेंटर है। अब स्टूडेंट्स का ये अब एजुकेशन स्टार्ट होते हैं, कई सारे स्टूडेंट्स फैमिलीज वहाँ पर जाना पड़ता है, निमदी सेंटर पे आप जाकर देखिए, आप वहाँ पे हालत देखिए। वहाँ पर दो प्रोटेस्ट करने के बाद भी आज निमदी सेंटर में इम्प्रूवमेंट नहीं आया। हम बोले थे टॉयलेट फैसिलिटी रखो, लेडीज़ के लिए टॉयलेट नहीं, ओपन यार्ड में वो लोगों को जाना पड़ता, और वहाँ पर जाके देखिए अब गंदगी वैसी है, वहाँ पर जाकर आपको करप्शन है, पेंशन रिजेक्ट हो रहे, क्वालिफाइड जो एलिजिबल कैंडिडेट है उनके तक पेंशन रिजेक्ट होते जा रहे हैं अभी भी,
बहुत जल्द हम इसके ऊपर भी आने वाले हैं कि जो जो काबिलियत जो जो एक्चुअली एलिजिबल है वैसे लोगों के जो पेंशन रिजेक्ट हो रहे हैं उसके ऊपर भी आने वाले हैं। विल नॉट लीव एनीबडी। जनता परिवार ऑर्गेनाइजेशन ओपन करने का मकसद ही यही है कि एडमिनिस्ट्रेशन में जितना भी ये करप्शन चल रहा, ये जितना भी ये लोग आज एडमिनिस्ट्रेशन एक रूरल एक किंगडनशिप जो बना रहे ये लोग करप्शन की, ये लोगों के ऊपर है दबाव, ये लोगों को और गरीबों को इंसाफ दिलाने के लिए जनता परिवार बनी हुई है। तो मैं आप तो लोगों से, कमिश्नर से, एडमिनिस्ट्रेशन से, पॉलिटिकल लीडर से, लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं कि आप इन्वेस्टिगेशन करो, आजू बाजू देखो, लोग परेशान हो रहे, जिताने के बाद उनको मदद करना, उनको परेशान नहीं करना चाहिए हम लोगों को। तो इसी सिलसिले में पत्रिका भवन गए, वी हैव गिवन 45 डेज। अगर 45 डेज के अंदर अगर ये हमारे रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं किया जाएगा, डेफिनेटली जनता परिवार और पूरी गुलबर्ग की यूथ हम लोग वेलकम ऑन द रोड। अगर लॉ एंड ऑर्डर खराब होगा तो दिस पीपल विल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस। गुलबर्गा सिटी कॉरपोरेशन में बहुत से इश्यूज़ हैं। फिलहाल एक बर्निंग इशू ये है कि जो भी लोग गुलबर्गा सिटी कॉरपोरेशन जाते हैं, खाते की फीस भरते हैं, Form 7 देने के बाद में 65 रुपीज़ पर फीस भी रहती है पर खाते की। तो अभी ये लोग इस टाइप से करे हुए हैं, जो पहले हेड ऑफिस था वो हेड ऑफिस से क्या है मालूम, वो हटा दिए, काउंटर हटा दिए, हटाकर Zonal 1, Zonal 2, Zonal 3 को कर दिए। अब Zonal 1, Zonal 2, Zonal 3 जब जाना है तो फीस यहाँ पर पे करना पड़ेगा। फर्स्ट तो Zonal 1 है हेवनशाही में, सेकंड Zonal 2 है SB कॉलेज के पास, Zonal 3 है RTO ऑफिस में। कुछ लोग गुलबर्गा शहर में ऐसे भी हैं, हैंडीकैप हैं, सीनियर सिटीजन हैं और विडोज़ हैं, जो इलिटरेट लोग भी हैं, उन लोगों को मालूम नहीं है ऑफिसर्स। पहली बात तो ये प्रॉब्लम, फीस यहाँ पर पे करना पड़ेगा और जाकर वहाँ पर क्या मालूम खाता लेना पड़ेगा। जब वहाँ खाता अगर लेने जाएंगे तो वहाँ पर बहुत सारे डिफिकल्ट बहुत पर प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। वहाँ पर पहली बात तो ARO नहीं रहता, ARO नहीं रहते, फिर उसके बाद में सिस्टम ऑपरेटर नहीं रहता, उनका कोई टाइमिंग नहीं है, उन्हों जब दिल में आ रहा आ रहे हैं, जब दिल में चाह रहा ड्यूटी कर रहे और जब दिल में आ रहे चले जा रहे हैं। ये लोग आते सुबह में 11 बजे, जाके खाता पूछेंगे तो क्या बोलते हैं, अरे नहीं जी तुम्हारा एंट्री है नहीं, देखना पड़ता। एंट्री रहता, एंट्री नहीं तो अरे तुम्हारा पेज नंबर RR नंबर नहीं है, जाकर तुम पेज नंबर RR नंबर डाल लेके बोल के बोलते हैं हेड ऑफिस को। फिर वहाँ से जब डाल कर लेकर आएंगे तो क्या है मालूम, उन्होंने नहीं वो सर की लॉगिन में है, ARO सर नहीं है ना अवेलेबल, तुम एक काम करो 2 दिन के बाद में। एक लोग ऐसे भी मैं देखा हूँ 10-10 दिन से फिर रहे, उन लोगों को खाता अवेलेबल नहीं है और दे रहे नहीं खाता। और जो लोग सिर्फ वो लोग एप्लीकेशन भी नहीं देते, सिर्फ PID नंबर देते, सिस्टम ऑपरेटर उनका PID नंबर से क्या है मालूम खाता जनरेट करते, 500 दे देंगे तो इमीडिएट उनको खाता देते। तो अगर इस तरीके से अगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन चलेगा तो कैसा चलेगा। हमारे जो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर हैं फौजिया तरन्नुम मैडम, वो यहाँ से सरप्राइज विजिट चिंचोली को जाते हैं, सिटी कॉरपोरेशन नियर में है, वो कभी दिन सरप्राइज विजिट नहीं करते। हमारे जो ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर हैं प्रियंक खरगे साहब, उनसे तो बहुत सी उम्मीदें हैं लोगों की, एक उम्मीद की नज़र से देखते हैं हम, इवन भाई मैं खुद भी उनकी एक उम्मीद की नज़र से देखता हूँ, क्योंकि वो एक अच्छे टैलेंटेड लीडर हैं। मेरा कहना ये है, मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप जिस तरीके से पूरे डिपार्टमेंट्स के ऑफिशियल हेड्स को बुलाकर आप मीटिंग ले रहे, ऐसा नहीं होता सर। आप एक काम करिए, आप एक बार सरप्राइज विजिट कॉरपोरेशन, सिटी कॉरपोरेशन कमिश्नर को ऑफिस को विजिट करिए कि वहाँ पर क्या प्रॉब्लम्स हैं। डे बाय डे लोग आते हैं, तकरीबन लोग इतने लोग परेशान हैं, उसके अंदर पुअर नीडी पीपल्स हैं, हैंडीकैप है, सीनियर सिटीजन है, विडो हैं, इन लोगों को आने के बाद में भी क्या है मालूम खाते नहीं दे रहे। और पहली बात तो बिल्डिंग जो न्यू बिल्डिंग है सिटी कॉरपोरेशन का, वहाँ पर एक काउंटर नहीं होना चाहिए खाते देने के लिए, 1-2-3 काउंटर होना चाहिए। क्यों? हमारा जो पॉपुलेशन है 7 लाख पॉपुलेशन है गुलबर्गा का, और जो सेम प्रॉब्लम यहाँ पर जो सिटी कॉरपोरेशन में, वो एज इट इज़ सेम प्रॉब्लम नमीदी केंद्र में है। अब नमीदी केंद्र में अगर 371 जो सर्टिफिकेट अगर हम लेने जाते हैं तो वहाँ पर भी जाने के बाद में क्या है मालूम है, किसी को दे रहे नहीं वो लोग, जो पैसे देंगे उनका काम हो रहा है, और वहाँ पर तो कोई फैसिलिटीज़ नहीं है। लेडीज़ घंटों लाइन में डरते, जेंट्स घंटों लाइन में डरते, और क्या है मालूम कई एक स्टूडेंट्स जाकर क्या है मालूम लाइन में डरते, वो लोगों को क्या है मालूम मामले से एक इनकम का सर्टिफिकेट रेसिडेंशियल लेने के लिए 371 जे सर्टिफिकेट लेने के लिए 5,000-4,000 रुपीज़ पे करना है, जबकि उसकी इतनी फीस ही नहीं है। इस टाइप के क्या है मालूम है इशूज़ क्या है मालूम हो रहे हैं, और यहाँ पर कोई भी देखने वाला नहीं है, कोई पुरसाने हाल नहीं है, सबकी हालत वैसी है। और क्या है मालूम इसके ऊपर एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना। प्रीवियस टाइम में जो हमारे सिटी कॉरपोरेशन कमिश्नर थे उनके पास कई एक कंप्लेंट्स आए थे, जो PIDs क्रिएट किए गए हैं, बोकस PIDs बनाए गए हैं, उसके ऊपर राइटिंग में कंप्लेंट देने के बाद में उन्होंने प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कर उसको क्या है मालूम है उन्होंने वो ब्लॉक करने के लिए कहा था। अब वो लोगों का क्या एडजस्टमेंट है क्या नहीं समझ में नहीं आ रहा, वो करने के लिए थे। अब फिलहाल के जो कमिश्नर साहब हैं वो लोग भी क्या है मालूम है, उनको भी कई लोग अप्रोच हुए, सर इस टाइप से हो रहा है, आप क्या है मालूम है गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट्स में ये केस पेंडिंग है,
आप ये जब तक के लिए पीआईडी को ब्लॉक कीजिए बोलकर भी, कई लोग आकर वहाँ पर कंप्लेंट्स भी दिए हुए हैं और क्या है मालूम कई लोग रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं क्या बोल रहे हैं मालूम है जाने के बाद में, अरे क्या करते हैं, जो मिनिस्टर को बोलते बोलो, एमएलए को बोलते बोलो, किसको बोलते, रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर को बोलते, हम पैसे देकर ऐसे है, फिर उसके बाद में क्या है मालूम हम गए तो भी थोड़े दिन के लिए ट्रांसफर हो जाते हैं, फिर उसके बाद में यहीं चाहते, इस टाइप से बात करें, अब्यूज वर्ड्स यूज़ करें, मिसबिहेव कर बात कर रहे हैं लोग, पब्लिक को इतना मिसबिहेव कर बात करें, कुछ भी समझने के लिए तैयार नहीं। वो सेक्शन तो वही रहता है, अरे वो सेक्शन यहाँ नहीं आता, सेकंड फ्लोर पे आता, सेकंड फ्लोर पे जाके पूछे तो नहीं, वो नीचे, अब ग्राउंड फ्लोर को जाइए। अभी अभी हमारा जो राइट नाउ जो डिमांड है, अभी हम जो ये इशूज़ जो रेज किए हुए हैं, ऑलरेडी हम एक ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर और सिटी कॉरपोरेशन कमिश्नर और म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन को हमने एक मेमोरेंडम यहाँ से मूव किया है, और हम यही इशू को लेते हुए क्या है मालूम है पत्रिक भवन में भी हम अपनी बात रखे हुए हैं। इंशाल्लाह इस पर हमको पूरी उम्मीद है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इस पर फोकस करेगा और ये हमारे जो भी इशूज़ हैं इसको सॉल्व किया जाएगा। अगर इसको सॉल्व नहीं करेंगे, हाल ही में एक दो दिन पहले हमारे एक दोस्त एक ऑर्गेनाइजेशन के सचिन प्रतापबाद बोलकर उन्होंने भी ये रेस को ये इशू को उन्होंने भी रेस किए हैं ऑलरेडी 6 ऑर्गेनाइजेशन ने ये इशू को रेस किया है। अगर ये 45 डेज के अंदर ये इशू को सॉल्व नहीं किया जाएगा, डेफिनेटली हम लोग मास मूवमेंट ऑर्गेनाइज करेंगे और मास प्रोटेस्ट हम करेंगे, डेफिनेटली करेंगे, हम लोग नहीं छुपाएंगे। हम लोग इवत पत्रिका भवन प्रकट में विषय ऐनप अंतर महानगर पालिकेल आगतिवंत दलाली इवरेंप अंतर ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಇವಾಗ ಏನು ಖಾತಾ ಇದೇನಂತಾರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಖಾತಾ ಆಗಲಿ ಆಸ್ತಿ ಖಾತಾ ಆಗಲಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆದಾಗ ಅನ್ಕರ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದು ತುಂಬ ಹಣ ತುಂಬ್ತೀವಿ, ಹಣ ತುಂಬಿದ ನಂತರ ವಲಯ 1 ವಲಯ 2 ವಲಯ 3 ಅಂತ ಝೋನಲ್ 1 ಝೋನಲ್ 2 ಝೋನಲ್ 3 ಅಂತ ಒಂದು ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ದುಡ್ಡು ತುಂಬಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕಂದಾಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾರೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಯಾರು ನಡ್ಬಾರ್ಕ ಅಲ್ಲಿ ದಲ್ಲಾಳಿಗಳು ಬ್ರೋಕರ್ಸ್ ಏನಾದಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ಹೇಳ್ರಿ, ಯಾರಿಗಾದರೂ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿರಿ, ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ರಿ, ಇಲ್ಲ ಕಮಿಷನರ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಹೋಗ್ರಿ ಅಂತ ನಮಗೆ ಏನಂತಾರ ಹೆದರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿರುವಂಥ ಬಡ ಜನರು ಅಂಗವಿಕಲರು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದು ಕರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲೋಂದ್ರೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಹೆದರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೆದರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ನಾವು ಈ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಂದು ಇದು ಪತ್ರಿಕಾ ಭವನದಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂತಂದರೆ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಮಹಾಪೌರರಿಗಾಗಲಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಕಮಿಷನರ್ ಆಗಲಿ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಿಗಾಗಲಿ ನಾವು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇರೋದನ್ನಪ್ಪ ಅಂತಂತಂದರೆ ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮ ತಗೋಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. This video presented by Shri Basveshwar Medical and General Store, providing the highest quality and 100% genuine medicines. 24/7 hours medical is open and free home delivery also available. Medicines at your doorstep. Opposite Basveshwar Hospital, Sedham Road, Kalburgi.